जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आरती रावत, मेरा गांव है रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गांव पाली सिमली से। तो अभी मेरी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है पहाड़ के इन खूबसूरत नज़ारों से। तो अभी अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुहाना है। सामने वाली पहाड़ियों पर प्यारी सी धूप खिली हुई है। तो आजकल बसंत ऋतु का मौसम लगा हुआ है और जगह जगह पे बहुत सारे बच्चे फूल भी डाल रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे लिए फूल देवी का त्यौहार नहीं है तो हमारे बच्चे फूल नहीं डाल रहे हैं। ना तो इस बार घोगा नचाया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो ताऊ ससुर जी हैं वो ख़त्म हो गए थे। तो अब तो मतलब हम भी शुद्ध हो चुके हैं। मतलब जब हमारे पहाड़ों में कोई मतलब किसी की डेथ होती है परिवार में, तो टोपी को उल्टा किया जाता है, बाल बनाए जाते हैं। तो ऐसे में मतलब किसी भी शुभ कार्य में नहीं जाते हैं। और जब वो मतलब शुद्ध हो जाते हैं, टोपी सुलटी हो जाती है, तो उसके बाद जा सकते हैं हम कहीं भी ना शुभ कार्य में। उससे पहले तो शादी ब्याह का भी न्योता भी आता है, तो तब भी नहीं जाते हैं। और आप लोगों को बता दूं, आजकल तो बेटा घर आ गया है, थोड़ा बहुत उसकी तबीयत में सुधार है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ही जल्दी सोच रही हूँ कि मतलब वैसे तो जब वो तुरंत घर आया था तब सोच रही थी मैं कि इसको धारी माँ के दर्शन करने के लिए सबसे पहले ले जाऊँगी, क्योंकि धारी माता का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा बेटे के साथ में रहा है। और अब तो वो थोड़ा इधर उधर भी मतलब चलने लग गया है, ऊपर के घर से नीचे वाले घर पे भी आ रखा था, कल शाम को भी आ रखा था यहाँ पे। तो मैं सोच रही थी कि बहुत जल्दी उसको लेके धारी माँ के दर्शन करने के लिए एक दिन जाऊँ, लेकिन अभी एक दो दिन के बाद देखती हूँ क्या होता है। तो बीच में थोड़ा सा एक दीदी है जिसकी वीडियो मैंने पहले डाली भी होगी आप लोगों के सामने, उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। दीदी का घर है सुमाड़ी में, है दीदी का घर मयाली वाली रोड पे। और दीदी की तबीयत काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। पहले उनका ऑपरेशन हुआ था श्रीकोट हॉस्पिटल में, और उसके बाद ऑपरेशन करने से उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई थी। घर पे आए और ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, और उसके बाद जौलीग्राम हॉस्पिटल में, हिमालयन हॉस्पिटल में दीदी का इलाज चला है। और अब दीदी घर पे हैं तो तबीयत उनकी सही नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं। मतलब खाने में तो ये बोलो, मैं परसों दीदी को मिलने गई थी, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी होगी, यूट्यूब पे भी वीडियो देखी होगी, तो दीदी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। ऐसे भी भाई बहनों से मतलब मैं यही उम्मीद करती हूँ, आप लोग दीदी के लिए ज़रूर भगवान जी से दुआएं करना, माँ धारी से दुआएं करना, बाबा केदार से। सभी भाई बहनों ने काफ़ी मतलब दीदी के बारे में पूछा है, जितने भी लोग मेरे यूट्यूब फैमिली में जुड़े हुए हैं सब ने दीदी के लिए कहा है। तो जब परसों मैं वहाँ पर गई थी तो मैंने दीदी को बोला था कि दीदी मेरी YouTube फैमिली में ऐसे ऐसे भाई बहन जुड़े हुए हैं जो कि मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं। तो जो कल वाली वीडियो मैंने डाली थी YouTube पे, तो दीदी मतलब हाथ जोड़ के सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप लोग मेरी कुशलता की विनती ज़रूर करना भगवान जी से, कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और बहुत जल्दी हंसती हुई मुस्कुराती हुई आप लोगों के बीच में आऊँ। और मेरा एक बच्चा है, तो मतलब एक ही बेटा है दीदी का, और बेटा भी इतना बड़ा नहीं है। मैं कई बार बोल चुकी हूँ फेसबुक लाइव में या इंस्टाग्राम लाइव में, और एक बेटा है तो वो कर रहा है अभी 10वीं की पढ़ाई। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो सुबह की गुड मॉर्निंग सुप्रभात की शुरुआत होती है मेरे इन प्यारे प्यारे फूलों से। तो ये फूल मुझे बहुत प्यारा लगता है, पहले ये ऐसा बना रहता है और ये वाला फूल किसी ने तोड़ भी दिया है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दो फूल तोड़ रखे हैं वह, किसने तोड़े होंगे? मेरे बगिया के फूल मत तोड़ माली, मत तोड़ माली, पतों पतों में लिखा है शेरों वाली। तो जब मैं धारी देवी के मंदिर जाऊंगी ना, तो घर के फूल ले जाऊंगी, इनमें से ले जाऊंगी। तो ये फूल मैं हमेशा हर साल लगाती हूँ और सभी को पसंद आते हैं। तो आप लोगों को कैसे लगे? फूल पे बोलते हैं ना, पेड़ पे जब फल लगता है तो वो नीचे की ओर झुकता है, तो ये नीचे की ओर आ रही है। दूसरे साल भी तो लगाने हैं मैंने, अभी ये 3 साल हो गई, तो इनको दे रही हूँ पानी, पौधों को पानी। और ये वाला ना
मतलब एक ही कलर के पेड़ हैं इनके, लेकिन फूल अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे वो पिंक वाला फूल है, डार्क पिंक वाला, तो ये है येलो वाला, है ना। तो येलो वाला भी बहुत मस्त है। अभी उधर की साइड भी ले जाऊंगी, उधर भी है। तो थोड़ा थोड़ा इनको भी ना, जल ही जीवन है, तो पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। और सब लोग, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सबको ये फूल बहुत अच्छे पसंद आ रहे हैं। तो अभी आ गई इनके बारे में। तो ये वाला फूल देखो, पेड़ एक ही कलर का है, एक ही क्वालिटी का पौधा है ये। तो इसमें आ रखा है ऑरेंज वाला, और ये डार्क गुलाबी होगा। समझ में नहीं आ रहा मेरे को, कलर समझ में नहीं आते हैं भाई। और इनमें भी पानी, और ये है, ये बहुत बड़ा, इसका ना इसको हम आल वाला फूल देते हैं। जब हम छोटे छोटे थे तो मम्मी के घर पे भी बहुत ज़्यादा फूल लगाते थे। लड़के तो कोई नहीं होते हैं ना फूल लगाने वाले, लेकिन लड़कियाँ बेटियाँ होती हैं ना, जो वो घर को इतनी तरह अपने मम्मी पापा के घर को बहुत संवार के रखती हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि एक दिन मैंने ससुराल जाना है, ये सब कुछ यहीं छूटना है। तो मैं बचपन से फूलों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा फूल लगाती थी। तो आज पूरी बगिया दिखाऊंगी, आप लोग बोर मत होना। वाह, तो अभी ये वाले और इन वाले फूलों के लिए ना बहुत ज़्यादा बहनों ने, भाइयों ने डिमांड कर रखी है कि मतलब हमारे लिए भी रखा। ये वाला फूल देखो आपको कैसा लग रहा, ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। और ये मैं एक तो किसी को गिफ्ट भी करती हूँ तो फूल ही गुलदस्ता, ये एक फूल उखाड़ के ले चले सीधा लो सा, है ना। अरे ये देखो इसकी टिकड़ी किसने तोड़ी, मुझे इतना खराब लगता है ना। ये देखो ये वाली टहनी बिल्कुल, इस पे तो फूल आ रखा था और ऐसे तोड़ दिया। ये देखो ये वाले ना, जब मैं घर पे नहीं रहती हूँ तो कोई इनके साथ छेड़ता है शायद, तो ये टूट गई तो मुझे कितना दुख हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस पे प्राण है भाई, मुझे क्या सबको ऐसा ही लगेगा। ये देखो अरे टूट रही है बार बार। और इसमें अलग अलग के फूल हैं भाई, बीच में बिल्कुल ये वाइट वाला फूल, और इसकी किनारों में जैसा डिजाइन आ रखा होगा, तो बहुत सुंदर फूल है। और पानी देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिना जल के तो ये सूख जाएंगे। अब देखते हैं सदाबहारी फूल, मतलब कभी कुछ ना कुछ फूल तो रखना ही होता है घर में, है ना। ये देखो ये तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया है किसी ने, इसका पौधा छेड़खानी करते हैं भाई पौधों के साथ। हमारे पहाड़ों में अनेक प्रकार की सब्जियां होती हैं, जैसे कि जड़ी बूटियां, हमको पता नहीं होता है। और एक चीज़ बताती हूँ मैं अभी, किस किस के यहाँ पे ये होता है। तो मैंने अभी तोड़ा है ये तिमला, है ना। तो तिमला यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे तिमले आ रखे हैं, अभी बहुत छोटे छोटे हैं ये, रुको है, बहुत छोटे छोटे। यहाँ ऊपर की साइड ज़्यादा हैं, तो नीचे की साइड हैं कम तिमले। तो ये हैं ये तिमले, और बचपन में हम इनको बढ़िया है बिल्कुल। ये देखो सांप आ, किसी किसी पे कीड़े भी रहते हैं, तो बचपन में ना हम इसको खाते थे नमक में। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं, ये तिमले का पेड़ किसने खचाया होगा। पहले हम क्या करते थे कि जो ये तिमले का पेड़ है, इसकी बहुत अच्छी सब्जी होती है और इसका अचार भी बहुत अच्छा होता है। किस किस ने तिमले की सब्जी खाई है कमेंट करके ज़रूर बताना। पहाड़ों में ये तिमले पाए जाते हैं और सब्जी बहुत अच्छी होती है, अचार भी। और हम तो बचपन में ना नमक में खाते थे। मैंने भी एक बार ही मतलब इसकी सब्जी खाई है, जब मुझे पता चला यहाँ पे नेपाली भाई लोग काम पे लगे हुए थे, तो वो उनके बच्चों ने ऐसे खाए ना ये। मेरी माँ बोलती थी पेट दर्द होगा, मरेगी, तिमले मत खा कच्चे। तो मैं खा रही हूँ, वाह माँ, मरूँगी तो कोई बात नहीं, पछताना मत। पर माँ बोलती थी ना बचपन में। क्या करते थे हम, आजकल सेंटर फ्रूट बगल गम चिंगम जो भी हुआ ना लोग खाते हैं, लेकिन हम क्या करते थे उस समय, जब एक रुपये के चार वो आते थे, चिंगम बोलते थे हम उनको, बगल गम, तो चार आते थे, तो पता नहीं 2-3 महीने तक चलना था भाई, उसने चबाना था, स्कूल से घर आना था, फिर किसी चीज़ पे चिपका देना था, है, फिर खाना था वो, फिर जैसे रात को नींद आने की वो हुई तो वो चिपका देना था किसी जगह पे, फिर कल सुबह हुई चक 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 मुँह पे रख दिया, है ना। तो किस किस ने ऐसा किया, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा भाई। गरीब जिन लोगों ने, जो ज़्यादा गरीब रहे होंगे, जिनके पास ढेर सारे पैसे रहे होंगे, तब भी उनके माता पिता भी नहीं देते थे इतना खर्चा, नहीं देते थे इतना जितना आज के बच्चों के लिए। तो तब वो भी हुआ है ना, 1 रुपये का 4-8 बगल गम होते थे।
तो उसके बाद हम क्या करते थे, ये तिमले का पेड़ है और मैं दिखाती हूँ आपको, हमने इसको क्या करना था, हमने इसको कचाना था, ये इसको कचाना बोलते हैं, ये कर दिया मैंने और इस पे ना, तो हमने ऐसा नहीं कि ये कचा दिया और भाग गई, ये दूध निकल रहा है ना इस पे, ये देखो दूध आ रहा है इस पे, ये दूध, ये देखो इस पे निकल रहा है दूध, ये सफ़ेद सफ़ेद देख रहे होंगे, तो इधर की साइड से भी दूध निकल रहा है, तो इस दूध को ना धूप लगेगी तो ये सूखेगा। उसके बाद पता क्या होता था, इस पे चिपचिपा सा होता था, चिपचिपा सा होता था सूख के, तो उसका चिंगम बनाते थे हम, उसका चिंगम खाते थे हम, किस बहुत सारे भाई बहनों उन्होंने खाया होगा इसको भी, ऐसी बात नहीं है कि मैंने ही खाया होगा। कचाना था, पूरे दिन पेड़ी पे रहना था कि इधर से मेरा कचा रखा, उधर से दीदी ने कचा रखा, इधर से भूला ने कचा रखा, इस तरह से होती थी। लेकिन अब तो कहाँ, कई लोग तो बोलेंगे कि क्या है ये सब, कई लोगों ने नहीं देखा होगा, आज के बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, पर हमने जो दिन देखे हैं भाई, उनको मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो दोस्तों अभी तो आप लोगों के आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अभी एक दिन तो बेटे के साथ धारी देवी जाऊँगी, तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाऊँगी। वो वीडियो में कम आता है, कम बोलता है, आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा कि बेटे ने कुछ नहीं बोला, तो मैं धीरे धीरे उससे भी बुलवाने की कोशिश करूँ, क्या पता। लेकिन सब कमेंट सब लोगों के उसने पढ़े हैं कि कितनी चिंता आप लोगों ने उस वक्त बेटे की है, और माता धारी देवी का आशीर्वाद तो उसके साथ में भी, आप सबके साथ में भी, मेरे साथ में भी बना रहा है, लेकिन आप लोगों की दुआएं भी बनी रही। बस मैं आप लोगों से ये आशा चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि दीदी के लिए भी आप उसी प्रकार से दुआ ज़रूर करना जिस प्रकार से आपने हमारे बेटे के लिए की है, ताकि दीदी भी अपने बेटे के साथ हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजारे, है ना। उसके बेटे का भी, वो माँ ही एक सहारा है, और मतलब और कोई है भी नहीं माँ के सिवाय, उसका और कौन है, मतलब रिश्तेदार होंगे, मामा होंगे, बुआ होगी, ये चीज़ अलग बात होती है, लेकिन जो फ़िलहाल माँ और बेटा ही एक घर में, वो दोनों ही रहते हैं, पापा है नहीं, मतलब दीदी के हस्बैंड नहीं हैं, दो ढाई साल हो गए हैं उनकी मृत्यु हो गई है। तो सभी भाई बहनों से मैं बारंबार यही निवेदन करती हूँ कि दीदी के लिए दुआएं ज़रूर करना, कभी कभी ना दवा से ज़्यादा दुआएं असर करती हैं, और दीदी ठीक हो गई तो हम इसको एक चमत्कार ही समझेंगे कि कहीं ना कहीं माता रानी, बाबा केदार, बद्री विशाल, भगवान माँ कुष्मंडा, माँ धारी देवी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कहने के लिए तो मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं हैं इस समय, क्या ही बोल सकती हूँ। फिलहाल मैं आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करना। मैं आरती रावत मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्दी अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।